সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। একটু পিছনে আসলে সবার হয়ে যাবে, একটু পিছনে আসলে সবার হয়ে যাবে। सर भाटपाड़ा की राजनीति से पूरे बैरकपुर की राजनीति जो है वो एकदम बदल रही है। तमाम लोग जो है अब फिर से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आपके साथ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? 2019 साल में तृणमूल कांग्रेस के साथ मैंने छोड़ा क्यों? जिस पार्टी के लिए भला बुरा ऐसा कोई काम नहीं था, जिस पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उस पार्टी में महत्व इज्जत सम्मान की बहुत कमी है। जो दिन रात मेहनत करेगा, दिन रात पार्टी के लिए मरेगा जिएगा, उसका कोई सम्मान नहीं उस पार्टी में। लेकिन जो आदमी पैसा खर्च करेगा, चाटुकारिता करेगा, वो आदमी का सम्मान है। क्या है कि पार्टी अभी ऐसे लोगों के कब्जा में चली गई है जहाँ सिर्फ पैसा 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 है। तो संजय सिंह, प्रमोद सिंह जी और हमारे गोविंद सिंह जी, तमाम ये हम लोग एक ही परिवार के लोग थे और हम लोग का पारिवारिक रिश्ता भी है, लेकिन जो सम्मान इनको मिलना चाहिए, इनको हम लोग के साथ आपस में लड़वाने के लिए हमेशा इन लोगों को सामने लाया जाता था, जो कि पारिवारिक लड़ाई को राजनीतिक रूप में देने की कोशिश की जा रही है। तो हमने इनों से अप्रोच किया था, कहा कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आइए, सम्मान रहिए, एक साथ हम लोग मिलके इस क्षेत्र में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां सभी लोगों का सम्मान है, एक छोटा सा कार्यकर्ता और एक प्रधानमंत्री का समान रूप से यहां सम्मान मिलता है। तो आज कम से कम 500-700 लोग तो होंगे ही, सभी लोगों के साथ संजय सिंह के नेतृत्व में, ये हमारे प्रमोद सिंह के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं और आने वाले दिन में ये चुनाव भी लड़ेंगे, इसकी पार्टी ने पुष्टि भी की है, वो आजकल में घोषणा भी हो जाएगी। और मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले दिन में बड़ी जो लड़ाई एक साथ मिलकर हम लोग लड़ने का जो शपथ लिए हैं, उस लड़ाई को संवैधानिक रूप से, उस लड़ाई को आइडियोलॉजी के रूप से, उस लड़ाई को किसी भी तरह से व्यक्तिगत ना करके हम सामूहिक सामाजिक रूप से इस क्षेत्र को मजबूत बनाएं और पार्टी को मजबूत बनाएं। आप देखा होंगे थोड़ी देर पहले एक घटना घटी, पार्टी के आपस में इस तरह से तृणमूल कांग्रेस में लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक आदमी पार्टी का टिकट मिला, एक आदमी नहीं मिला, उस पर कौन गोली चला रहा है और उसमें बीजेपी का दोष आ रहा है। तो एक पिता उसका अलग बोल रहा है, बेटा कुछ अलग बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस कुछ अलग बोल रहा है। तो ऐसी राजनीति से इस जगह को निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा मजबूत हम कर सकें उतना ज्यादा मजबूत। संजय सिंह के आने से भाटपाड़ा में भाजपा कितनी ज्यादा सशक्त होगी? भाटपाड़ा, जगदल, पूरा बैरकपुर में सशक्त होगी। लड़ने वाले लड़के हैं, लड़ने वाले नेता हैं, लड़ाई करेंगे और सबको लेके चलने की जो एक मानसिकता तैयार किया है इन लोगों ने, बहुत ही सराहनीय है। पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के और कितने नेता हैं जो सर आपके संपर्क में हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ तो मैंने ही बनाया था जी, तकरीबन आधे से अधिक लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, चाहे वहां रहे चाहे यहाँ रहे, तो ऐसे कोई असुविधा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक ये क्षेत्र बना रहे, इस क्षेत्र को एक बैटल फील्ड बनाने की जो कोशिश की जा रही है उससे बचा जाए। नहीं तो बैटल फील्ड जब बनेगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि टीएमसी के कोई ऐसे लोग हैं आज के तारीख में जो उस बैटल में लड़ाई लड़ सके। माइनॉरिटी सर तृणमूल कांग्रेस से बहुत नाराज चल रही है, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि पिछले बार आप जब थे तृणमूल कांग्रेस में 3 सीटें मिलती थी, अभी 1 सीट मिल रही है,
तो माइनॉरिटी के लोग भी क्या संपर्क में आते हैं? माइनॉरिटी के लोगों को तो ममता बनर्जी ने ये पार्टी ने अपना गुलाम बना दिया, ये उनके लिए वोट बैंक बन गया। इनको इज्जत दे, सम्मान दे ना दे, इनको ये समझ में आता है कि हमको तो ये वोट देंगे। आज इसीलिए कम से कम 3 सीट हम लोग देते थे, 3 सीट हम लोग देते थे, लेकिन आज सिर्फ 1 सीट, और वो भी क्यों मिला है मुझे मालूम है, कैसे मिला है वो भी मुझे मालूम है। सर कुछ दिन आगे आप कह रहे थे कि माइनॉरिटी नया बाजार से काफी लोग आपके संपर्क में है, आज भी वो संपर्क में है? अभी भी मैं आ रहा था तो नया बाजार के एक आदमी मुझसे मिलने आए थे। तो नया बाजार सिर्फ नहीं, सबसे संपर्क है उनको एक समस्या है। जब तक ये समझ में आ जाएगी कि नहीं बीजेपी माइनॉरिटी का विरोधी नहीं, उनको भी मुख्य धारा में आकर और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहिए। उनको ये भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोधी। तृणमूल कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि भाजपा शून्य हो गई है, ये आज जो उत्थान हुआ है ये भाजपा शून्य हुआ ना उत्थान हुआ है? अब तृणमूल कांग्रेस का बेवकूफी वाला बयान का उससे उत्तर हमसे क्यों मांगते हैं? কালকে গালুলিয়া আজ জগদ্দলার পর দেখা যাচ্ছে বিশাল সংখ্যক জয়নিং কি কিসের আভাস মিলছে? ভারতীয় জনতা পার্টিতে মানুষ বিশ্বাস করছে। আজকে সঞ্জয় সিং, প্রমোদ সিং এদের নেতৃত্বে প্রায় 500-600 লোক এই অকল্যান্ড এখানে জয়েন করেছে। এদের জয়েন করাতে ভারতীয় জনতা পার্টি ভাটপাড়া, জগদ্দল, পুরো ব্যারাকপুরে একটা আরো স্ট্রং জায়গাতে পৌঁছবে। কিছু লোকে ভয় দেখিয়ে, কিছু লোকে ধমক দিয়ে, কিছু লোকে পুলিশকে দিয়ে দলে নিয়ে যাওয়া হয় এখানে, তো আপনি জানেন। আর নিজেদের মধ্যে নিজের লোককে, আজকে পার্টি তো কার হাতে চলে গেছে, আজকে পার্টি পার্টির মতন থাকেনি, পার্টি হয়ে গেছে ব্যবসায়, সিন্ডিকেট চলছে, কে কত টাকা তুলবে সেই নিয়ে গণ্ডগোল, আর তাকে পার্টিতে কে পয়সা দিয়ে টিকিট নেবে এইটা নিয়ে গণ্ডগোল। যারা স্বাভিমানী ব্যক্তি আছে তারা পার্টিতে টিকিট পয়সা নিয়ে কেন আসবে? আমি পার্টির জন্য জান দিচ্ছি, প্রাণ দিচ্ছি, খাটছি, সময় দিচ্ছি, আর তারপরে পার্টিকে পয়সা দিতে হবে? কিন্তু এই পার্টিটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয়ে গেছে, এখানে পয়সা না দিলে কিছু হবে না। কখনো আইপ্যাক নিচ্ছে, কখনো, আমি বলছি না, তৃণমূলের নেতারা যারা কালকে বিক্ষোভ করছিল তারা দেখেছেন, অনেকে বলছে কি পার্থ ভৌমিক পয়সা নিয়েছে, পার্থ অমুক পয়সা নিয়েছে, কেউ বলছে রাজ চক্রবর্তীকে পয়সা দিয়েছে, কেউ বলছে 12 লাখ ডুবে গেল, কেউ বলছে 15 লাখ ডুবে গেল, এরকম সবাই বলছে, এই ধরনের আছে। কিন্তু আমি বলবো ভারতীয় জনতা পার্টি সবাইকে সম্মান দিতে জানে, এটা কার্যকর্তাদের পার্টি, এখানে কেউ লিডার নেই, সবাই কার্যকর্তা আছে, এই কার্যকর্তাদেরকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। ব্যারাকপুরকে যে ব্যাটেল ফিল্ড বানাবার যে চেষ্টা হচ্ছে, এই ব্যাটেল ফিল্ড যাতে না হয় এটা আমাদের সবাইকে ভেবে চিন্তা করে করতে হবে। কেন ব্যাটেল ফিল্ড করলে অনেক লস হয়, আর যারা আজকে ভাবছে কি ব্যাটেল ফিল্ড করে আমি বেঁচে যাব, তারা কিন্তু এই ব্যাটেল ফিল্ডে লড়াইতে যোগ্য নেই। সেনা সৈনিক অনেকে নিজেকে বলে, কিন্তু সেনা সৈনিক হওয়ার জন্য অনেক ট্রেনিং নিতে হয়, সেই ট্রেনিং ট্রেন্ড এখানে তৃণমূলের নেই। সঞ্জয়টাকে কি দেখা যাবে যুদ্ধে? হ্যাঁ, পৌরসভাতে ফাইট করবে আর ভালো লড়াই করবে, আমি জানি ইজ এ গুড ফাইটার, আর মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ভালো আছে, যোগাযোগ রাখে, আগামী দিন একটা বড় জায়গা ওকে আমরা নিয়ে যাবো। ভোটের মুখে ব্যারাকপুরে কত বড় ভাঙন হতে পারে শাসক দলে? আজকে তো ট্রেলার, কাল থেকে ট্রেলার চলছে, আজকে তো বড় ট্রেলার দেখবে, 2-4 দিন মধ্যে পুরো বই দেন, ঠিক আছে? বলছি দাদা, ভাটপাড়া রামনাও করেছে যে রাজের উপরে গুলি চলেছে, অভিযোগ বিজেপির দিকে বলছে। কোন রাজের শখ হয়েছে ক্যান্ডিডেট হওয়ার, জমি টমি বিক্রি করে গাড়ি দিয়ে টিকিট পেয়েছে, এবার টিকিট পাওয়ার পরে তো শুধু হবে না, কিছু চমক ধমক দেখাতে হবে, তো ওইসব করছে, বাচ্চা ছেলে আছে ওর, ওর মনে হচ্ছে এটাই ভালো আছে, কিন্তু রাজ জিতবে না, ওখানে বিজেপি জিতবে।